अपने हाथों का और अपना पैरों को एकदम पीछे ले जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इस तरीके से आपने वॉक करना है पीछे के लिए और आगे के लिए। और आपने अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो आपकी एल्बो है वो आपने नाभि के जस्ट आउटसाइड में आपने प्लेस करना है और सामने की तरफ इस तरीके से आप देखेंगे। फिर बॉडी को लिफ्ट करने के लिए आपको पूरा बॉडी लिफ्ट करना है, एक पैर उठाकर दूसरा पैर उठाकर। नमस्ते एवरीवन, आप सभी लोग योग आसन का अभ्यास तो करते होंगे और बहुत सारे आसन ऐसे भी होंगे जिनका अभ्यास करके आप अपने शरीर की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है उनको सही भी करते होंगे। एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके अंदर होती होगी, यानी कि आपको लगता होगा आपके शरीर में काफ़ी कमजोरी है, यानी कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कम फील होती है कभी कभी आपको, या फिर आपको लगता है कि आपकी स्पाइन की जो स्ट्रेंथ है वो आपको लगता है काफ़ी कम है। और साथ में अगर आपको ऐसे इश्यूज है जो कि आपके एब्डोमेन यानी कि पेट के सभी रोग हो सकते हैं, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक आसन और भी है जिसका अभ्यास करना चाहिए, उसको मयूर आसन कहते हैं। अगर आप मयूर आसन का अभ्यास करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम से भी आप इजाद पा पाएंगे, साथ में आपके अंदर जो शरीर की स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको बता दूँ, सबसे पहले तो ये बता दूँ आपको कि आसन आना चाहिए। काफी लोगों को क्या होता है, बेनिफिट्स तो चाहिए होते हैं लेकिन आसन नहीं आता है। सो दोस्तों चलिए देखते हैं मयूर आसन के स्टेप्स और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप फर्स्ट टाइम इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको होने वाले। किस तरीके से आपका बॉडी आप लिफ्ट करेंगे और कहां पर आपका बॉडी लिफ्ट नहीं होगा, देखिए दोनों हाथों का पीछे इस तरीके से अच्छे से रख सकते हैं और आपने अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो आपकी एल्बो है वो आपने नाभि के जस्ट आउटसाइड में आपने प्लेस करना है और सामने की तरफ इस तरीके से आप देखेंगे। फिर बॉडी को लिफ्ट करने के लिए आपको पूरा बॉडी लिफ्ट करना है, एक पैर उठाकर दूसरा पैर उठाकर। तो इस तरीके की आपकी जो स्थिति है वो बनने वाली है, आप एकदम गिर जाएंगे आपके शोल्डर के वजहों के बल पे या फिर आप साइड में भी इस तरीके से टर्न होके गिर सकते हैं। तो ये तब होगा जब आपके हाथों में ताकत नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी कम होगी, क्योंकि अगर आप अपनी नॉर्मल बॉडी के साथ आसन करने जाएंगे तो आपके पास वो नॉर्मली ताकत भी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप मेरी बात पे भरोसा रखते हैं और आप मेरी बात को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप अपने आसन को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी कुछ आर्म्स की मसल स्ट्रेंथनिंग कर दूंगा, आपकी कोर की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कुछ टेक्निक्स बता दूंगा ताकि आप आसन से पहले अपनी मजबूती बना पाएँ, ताकि आपको जो रिस्क यानी कि जो आप गिरते हैं आपको इंजरी लग सकती है रिस्ट पे वो ना हो। और जब आप इस आसन को अचीव कर लेंगे तो जाकर आपको इन सभी आसनों के जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मिलने वाले। ट्रेनिंग करने के लिए आपको कुछ चाहिए टेक्निक्स और साथ में समझना होगा कि वो कौन सी मसल्स है जो आपके मयूर आसन को करने में मदद करती है। तो स्टार्ट करते हैं एवरीवन, चलिए दोनों हाथ सामने लाएंगे और इस तरीके से आपने फिंगर को क्लोज करना है और ओपन करना है। इस एक्सरसाइज का आप अगर यूज करते हो अपनी आर्म स्ट्रेंथनिंग के लिए तो काफी इफेक्टिव है, आपके रिस्ट की स्ट्रेंथ और आपके मसल्स जो होंगे आपके फोर आर्म्स में उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी बेस्ट है। तो इस तरीके से आप इसको 5-10 टाइम्स पहले तो धीरे धीरे करें और फिर 30 टाइम्स एकदम फास्ट। फिर इसको धीरे तो इस तरीके से आपने अपने फोरआर्म मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है। अगर आपको स्ट्रेंथ अगर आपको लगता है कि मेरे को स्ट्रेच आ रहा है तो जरूर कमेंट भी कर देना। दोस्तों जब भी आप मयूर आसन करेंगे तो सारा लोड आपकी एल्बो पे या फिर आपके शोल्डर पे आता है, तो शोल्डर और एल्बो के लिए मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताता हूँ, उनको आपने जरूर ट्राई करना है। तो आप करेंगे क्या, अपनी दोनों एल्बो पे इस तरीके से अपना लोड दे देंगे अपने हाथों का और अपना पैरों को एकदम पीछे ले जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इस तरीके से आपने वॉक करना है पीछे के लिए और आगे के लिए। सांस को आपने सामान्य रखना है और आगे और पीछे जाना है। तो ये टेक्निक भी आप करने के बाद सुष्टांगासन में रिलैक्स कर सकते हैं और इस टेक्निक को आपने कम से कम एक्सरसाइज को 10 से 20 बार कर रहे हैं। और अब आप उल्टा बैठ जाएंगे इस तरीके से और अपनी एल्बो पे इस तरीके से फिर से अपनी बॉडी का लोड उठाना है और बटेक को ऊपर करना है, शोल्डर पे प्रेशर आएगा, आपकी डेल्टोइड मसल की स्ट्रेंथनिंग होने वाली है और स्कैपुला बोन के ऊपर प्रेशर आएगा, सब स्कैपुलरीज मसल्स भी इसमें स्ट्रेच होंगी, पेक्टोरिस मेजर मसल भी आपका इसमें स्ट्रेच होने वाला है। तो प्रॉपरली सारी मसल्स की ओपनिंग करने के लिए हमें स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये टेक्निक को ट्राई करना है। तो फिर रिलैक्स भी आपने सब आसन में करना होगा और इस तरीके से आप लेट जाएंगे। दोस्तों अब एक कुर्सी यानी कि चेयर का यूज करेंगे और अपनी स्ट्रेंथनिंग डेवलप करेंगे। तो हमें कैसे करना है,
दोनों हाथ सामने रखे इस तरीके से आपने, और फिर अपना एक पांव ऊपर ले जाएंगे चेयर के ऊपर, इस तरीके से रख दिया, और दूसरा पैर भी। अब आप करेंगे क्या वाले हैं, आप इस तरीके से वॉक करेंगे, 1 2 अपने एक हाथ से टैप करना है शोल्डर को, और इस तरीके से आपने आगे और पीछे की तरफ मूव करना है। इससे आपके पूरे डेल्टॉइड मसल पे प्रेशर फील होगा इस वाले भाग पे और उस वाले पे, आराम से आपने वॉक कर रहे हैं। अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से रोक कर और सामने देख सकते हैं, फिर धीरे से वापस आके आपने रिलैक्स कर रहे हैं इस तरीके से। सो दोस्तों, अब आपको एक चेयर चाहिए जो आपकी कोर की ताकत बढ़ाने वाली टेक्निक है, उसके लिए दोनों हाथों को यहां पर रखेंगे, फिर अपनी नी को आपने थोड़ा ऊपर उठाना है और नीचे की तरफ एल्बो बेंड करा, ऊपर लेके आए, इसको पीछे ले जाएंगे, बैक को सीधा करेंगे और डाउन करेंगे। तो आपकी बैक में भी प्रेशर आएगा और आपके एब्डोमेन मसल्स में भी काफी हद तक प्रेशर आने वाला है। अब दूसरी टेक्निक में आपने दोनों हाथ सामने रखा, अपनी नी को उठाया और एक पैर को इस तरीके से साइड में, दूसरा पैर बीच में, यही वाला पैर, पहला जो पैर है आपका, पहले साइड में, फिर बीच में, फिर पीछे, फिर दूसरा लेग, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे कुछ आपने 1 मिनट तक करना होगा ताकि आपकी कोर की ताकत काफी अच्छी हो जाए। रिलैक्स। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप मयूरासन का अभ्यास करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं मयूरासन सीखूं और वो भी बहुत कम समय में, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस समय इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टेक्निक्स नहीं थी, हम डायरेक्टली अपने आसन को करते थे, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लाइक मेरे से ऑनलाइन क्लासेस में या फिर आप मुझे यूट्यूब पे वॉच करते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो मैंने देखा है वो लोग कहते हैं कि हम मयूरासन नहीं कर पाते, लेकिन अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि वो आर्म स्ट्रेंथ या फिर मयूरासन कैसे करते हैं, तो बताते हैं कि 2-3 लाइक आसन को करने की टेक्निक्स देख लिया, स्टेप बाय स्टेप कर लिया और फिर डायरेक्ट आसन कर लिया, कभी प्लैंक के साथ उस पर होल्ड करके लिफ्ट कर दिया, मैंने भी ऐसे किया था, तो ऐसे नहीं होने वाला। इसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर आर्म्स की स्ट्रेंथ, और उसके बाद आपको कुछ चाहिए टेक्निक्स या तरकीब। अब जैसे मेरे हाथ में आपको बेल्ट दिख रही होगी, ये इसलिए है क्योंकि काफी सारे लोग जब मयूरासन करेंगे तो उनका एल्बो क्या होगा, बाहर हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इतना सारा प्रेशर आपका एल्बो एक बार में नहीं उठा सकता। या फिर काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके आर्म शॉर्ट होते होंगे, मतलब काफी छोटे होंगे, तो इस वजह से क्या होगा, उनका एल्बो पहुंच ही नहीं पा रहा होगा एब्डोमेन तक, तो उन लोगों के लिए वो कैसे मयूरासन करेंगे, तो उनके लिए एक बेल्ट है जिनका उन्हें यूज करना है, या फिर कोई भी जिसको भी अगर लगता है ग्रिप अच्छी नहीं बन रही है, तो इस स्ट्रैप को, बेल्ट को अपने इस तरीके से अपने फंसा लेना है, और फिर गैप आप ऐसे बांध भी सकते हैं नॉर्मली अगर कोई आपके पास कपड़ा है तो उसको, वरना योगा जो स्ट्रैप है इसको आप यूज कर सकते हैं। अब आपने इस तरीके का, आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ये प्रॉपर आपका एक्यूरेट है, इस तरीके का सर्कल आपको नी में बांध कर ही पता चलेगा। एक हाथ आप अंदर निकालेंगे, फिर दूसरा हाथ भी इस तरीके से आप अंदर निकालेंगे, जो आपकी एल्बो है इसके ऊपर आपने इस तरीके से रखना है। तो शुरुआत में आप इस तरीके से बेल्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में आप देखो प्रैक्टिस क्या करोगे, आप इस तरीके से चौकड़ी लगा के बैठ जाएंगे, यानी कि ऐसे बैठना है और थोड़ा आधा ही बॉडी को बैलेंस करना है, क्योंकि आप देख रहे हो मयूरासन में आपको अपने पैर और अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करना होता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास अच्छी कोर स्ट्रेंथ और आर्म स्ट्रेंथ होगी, और प्लस प्रैक्टिस करते समय इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 110% आप अपने आसन को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से यहाँ पर रखा और अपने पैरों को आप पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, फिर लंबी गहरी सांस लेना है और नाभि के पास अपनी एल्बो को आपने प्लेस कर देना है इस तरीके से, फिर सामने देखेंगे और लंबी गहरी सांस लेना है पहले तो, फिर सामने देखना है, पेट के अंदर, नाभि के अंदर जो भी ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल दें। अब चेस्ट ब्रीदिंग करिए, सामने देखिए, पेट को पूरा दबा के रखिए खींचकर, और फिर रेज अप करना है, रिलैक्स कर रहे हैं। और शुरुआत में अगर आपको लगता है कि आप अपने
बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ पे ही आपने पूरा फोकस कर रहे हैं और कोर की स्ट्रेंथ पे कुछ दिन तक अभ्यास करिए, उसके बाद आपका पैर में उठने लगेगा। तो चलिए मैं आपको एकदम बढ़िया वाला जो आपका मयूर आसन होगा ना वो दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा अभ्यास ज्यादा होगा और आप सभी से, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी इस तरीके का आसन अपनी लाइफ में जरूर करें। तो आपने करना क्या, दोनों हाथ इस तरीके से सामने रखने और अपनी एल्बो को आपने प्लेस कर देने अपने अप डाउन जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और आपकी अगर बैक बेंडिंग अच्छी है तो आपका मयूर आसन बहुत अच्छा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके की टेक्निक पाने के लिए जीवन योगा स्टूडियो के चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे जिसका कंटेंट आपको काफी पसंद भी आए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना, यानी कि आप डायरेक्टली मेरे आंखों के सामने आप सीखना चाहते हो, गाइडेंस में सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दिया है और ईमेल आईडी भी आपको मेंशन कर दिया है, साथ में आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन कर दी है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक जीवन योगा स्टूडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ये आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल है जिसमें आपको प्रॉपर सीखने का मौका मिलता है कि कैसे आप अपने आसन को सही तरीके से सीख सकते हैं और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल किसी भी एज में कैसे बना सकते हैं, वो सब आपको जानकारी यहां पर मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।